यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। पाकिस्तान नाम जब भी सुनते हैं या फिर कहीं के जहन में आता है, तब एक ऐसे देश की छवि सामने आती है जो कि आतंक के लिए जाना जाता है, या फिर कह लें कि पाकिस्तान का दूसरा नाम ही आतंक है तो उसमें भी दो राय नहीं होगी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग पड़ता भी नजर आता है, लेकिन पाकिस्तान ने भी पूरी दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। जनेब आपको याद होगी, 7 साल की मासूम जिस तरह से घर से लापता हुई, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और उसके बाद जो सामने आता है वो डराने वाला रहा कि 23 साल के उसी के पड़ोसी ने उसके साथ दरिंदगी की, उसके बाद उसकी हत्या को अंजाम दिया गया। ऐसे में पूरे पाकिस्तान में धरने प्रदर्शन देखे गए, कैंडल मार्च निकाला गया, पूरी तरह से सरकार से सवाल पूछे गए कि बेटियों को सुरक्षा देने में आप नाकाम क्यों हैं। उसके बाद घटना के 1.5 महीने के बाद ही 4 दिन की सुनवाई में, जी हाँ, महज 4 दिन की सुनवाई लाहौर की एंटी टेररिस्ट जो कोर्ट है वो करती है। उसके बाद फांसी की सजा दोषी को दे दी जाती है। सिर्फ फांसी की ही सजा नहीं, उसके अलावा भी 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि मामला इतना संगीन है कि 4 बार भी फांसी दी जाए तो भी कम है, 10 लाख का जुर्माना भी सुनाया गया है। इसमें मिसाल ये होगी कि बेटियों की सुरक्षा की बातें भारत में भी होती हैं, बेटियों की सुरक्षा के नारे भी दिए जाते हैं, घोषणा पत्र में भी बेटियों की सुरक्षा के वादे शामिल किए जाते हैं, लेकिन जब जब बेटियों के साथ दरिंदगी हुई, जब जब बेटियों के दुष्कर्म और गैंगरेप के मामले जब सामने आते हैं, कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, धरने किए जाते हैं, प्रदर्शन किए जाते हैं, सरकार से सिस्टम से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन मामले में दोषी को सजा मिलने में सालों लग जाते हैं, ऐसे में पाकिस्तान की अदालत ने जो किया वो जाहिर तौर पर काबिले तारीफ है। इससे पहले पुलिस ने भी जो किया वो भी काबिले तारीफ था कि 1000 लोगों का डीएनए टेस्ट करवाया जाता है और जितना जल्दी जितना संभव था उतना जल्दी आरोपी को गिरफ्तारी की जाती है आरोपी की, और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अदालत ने जितनी तेजी इस मामले में दिखाई है वो वाकई ये सिखाने वाली है कि बेटियों की सुरक्षा की सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, कानून की जो प्रक्रिया है पूरी उसमें अगर तेजी होगी तो वाकई दोषियों के जहन में एक डर एक खौफ जो होना चाहिए कानून का वो बन पाएगा। तो 5 जनवरी को जैनब गायब हुई थी, लापता हुई थी, उसके माता पिता जो है सऊदी अरब उस दौरान गए थे, उसके बाद ये पूरा मामला जब सामने आया था मीडिया में भी ये मामला खुलकर सामने आया था, पूरी दुनिया की नजरें इस मामले में टिकी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान ने वाकई उम्मीद से ज्यादा इसमें किया है। पाकिस्तान की जो छवि है इसके बिल्कुल उलट है, और जिस तरह से अदालत ने सिर्फ 4 दिन की सुनवाई, और भारत की ही अगर तुलना कर ले तो तारीख पर तारीख के लिए फिल्मी डायलॉग भी ये चीजें हो चली हैं, जिस तरह से अदालतों पर कटाक्ष भी किए जाते हैं खासतौर पर सोशल मीडिया के जरिए ही, कि किस तरह से लंबी प्रक्रियाएं चलती हैं, किस तरह से प्रक्रिया के दौरान ही दोषी को राहत भी दे दी जाती है कि इतना समय जो कानूनी प्रक्रिया थी, जो तारीखें लगी, जो सुनवाई हुई उसके दौरान चला जाता है, उसके बाद राहत भी मिल जाती है, और जो पीड़ित परिजन होते हैं, जो पीड़ित पूरे मामले के होते हैं, वो कोर्ट के चक्कर लगा के लंबा टाइम एक गुजार देते हैं, लेकिन उसके बाद जब सजा मिलती है तो वो सजा क्या काफी होती है, क्या इंसाफ में देरी इंसाफ ना मिलने के बराबर नहीं है, ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं भारत की अदालतों से। हालांकि अदालत की कार्रवाई पर सवाल किसी तरह से खड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन समय में जो तेजी दिखाई गई है इस तरह के संगीन मामले में, इस तरह के विभत्स मामले में, वो वाकई एक मिसाल पेश करती है, वो वाकई अपने आप में एक बड़ी वानगी है कि भारत अपने पड़ोसी देश अपने दुश्मन मुल्क से ये सीख सकता है कि आतंक के मामले में भले ही पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाना जाता हो, लेकिन जब बेटियों की बात आती है, जब बेटियों की असमत की बात आती है, जब बेटियों को उनके परिजनों को इंसाफ दिलवाने की बात आती है, तो जितनी तेजी के साथ जितनी त्वरित कार्रवाई की गई है अदालत की ओर से, उससे भारत जरूर एक सीख ले सकता है।